आज हम बात करेंगे थाईलैंड के एक सुपर हिट ड्रामा जिसका नाम है F4। ऑब्वियसली इसके बारे में आपने सुना ही होगा, इसके शॉर्ट्स देखे होंगे, तो आज हम उसी ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आप बोल रहे होंगे कि यही ड्रामा क्यों भाई, कि इस ड्रामे में ही इतना ड्रामा है कि आप बोल रहे हो कि भाई कि मतलब क्या इसमें ड्रामा में लव रोमांस सस्पेंस और ट्रेजिडी एक्शन और ना जाने क्या क्या है। और इसके बॉयज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा हैंडसम है कि भाई कैसे कोई किसी इतना हैंडसम कैसे बन सकता है। और तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा F4 और वीडियो को एंड तक देखना, स्टोरी मजा आएगा, तो कमेंट करना, हम नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाएंगे। सो ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल स्कूल नहीं होता है। वहाँ पर ऐसे हाई फाई लोग रहते हैं जो भाई BMW मर्सिडीज ऐसे वाले ही स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं, और बहुत ही चकाचौंध वाला मतलब एक मिडिल क्लास आदमी का एक समझ लो सपना ही होगा कि वो स्कूल में कभी आकर पढ़ सके। सो अब हम बात करते हैं उस लड़की की जो अकेले में बैठकर पढ़ रही है, वो हमारी फीमेल लीड गोया है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो अभी आपको पता चलेगा। तभी उसके पास एक लड़की आती है, बोलती है हाय मेरा नाम ऐना है, मैं अभी बाहर से आई हूँ, तुम अकेले क्यों हुआ कर रही हो। तो गोया समझ नहीं पाती है कि ये कहना क्या चाहती है, तो वो बोलती है कि मतलब अरे तुम अकेले क्यों कर रही हो, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है क्या। सो बताती है कि मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, मैं स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर आई हूँ, सो मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है, और यहाँ तुम आसपास जो भी देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत ही बड़े घराने के लड़की है लड़कियाँ हैं, सो भाई उनसे तो मेरी कभी बन नहीं सकती है, तो अच्छा होगा मैं अपनी पढ़ाई में ही ध्यान दूँ, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ। सो चारों तरफ देखने के बाद ऐना भी कहती है कि मुझे नहीं लगता है ये लोगों से मेरी पटेगी, इससे अच्छा मैं तुमसे ही दोस्ती कर लूँ, तो यहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो बात आगे बढ़ाते हुए गोया से वो पूछती है कि मुझे अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ, मतलब इस स्कूल में मैं तो अभी नहीं आई हूँ। सो बोलती है तुम्हें स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्या, तो बोलती है नहीं मुझे टीचर्स ने उतना कुछ बताया नहीं है। सो गोया उससे पूछती है कि क्या पुरानी स्कूल में तुम्हें कभी किसी ने बुली किया है, या तुमने कभी किसी को बुली किया हो। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है कि इस स्कूल में ये सब एकदम से आम बात है। क्या इतने बड़े स्कूल में ये तो सबसे सेफेस्ट है ना। बोलता हाँ ये बाहर से जितना सेफ दिखता है अंदर से उतना ही ख़तरनाक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तुम समझ सकती हो। और मैं बोलना चाहूँगी कि इस स्कूल में एक गेम चलता है। क्या एक गेम। सो गोया के नाम लेते ही वो गेम स्टार्ट हो जाता है एक लड़के के साथ जो अपना कबट खोलता है, मतलब स्कूल का जो वो खोलता है तो उस पर एक रेड फ्लैग में ये कार्ड बोल सकते हैं रेड कार्ड मिला होता है जिसमें F4 लिखा होता है, और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो वो बताती है कि ये F4 का जो कार्ड है वो भाई मतलब जिस भी बंदे को मिल जाता है उसकी ज़िंदगी यहाँ पर तबाह हो जाती है, इसका मतलब होता है कि स्कूल का कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। सो तभी जैसे उस लड़के को F4 का कार्ड मिलता है तो चारों ओर हंगामा मच जाता है, सभी स्टूडेंट इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, और मैसेज टाइप होता है कि गेम स्टार्ट हो गया है, और दूसरी ओर हमारे F4 का जो एंट्री होती है वो दिखाई देता है, जो कि इतने मतलब ज़बरदस्त कारों में आ रहे होते हैं कि उनकी रईसी उसी से पता चल जाती है। सो इस तरफ गेम स्टार्ट हो गया होता है और लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, और उसके साथ भाई अब चीज़ें घटना स्टार्ट हो जाती है, उसका बैग चोरी हो जाता है, उसके मोबाइल चोरी हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, मतलब उसे बहुत टॉर्चर करना स्टार्ट किया जाता है सभी स्टूडेंट के द्वारा। तो वो पूछती है कि क्या यहाँ के टीचर कुछ नहीं करते हैं। सो बोलती है कि यहाँ के टीचर यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर यहाँ वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वो भाई इतने बड़े घर के लड़के जो होते हैं इन सब के पीछे बस वही F4 होता है, और जिसे भी वो F4 का कार्ड मिलता है उसे मतलब कैसे भी घुमा फिरा के उसे एक बोल सकते हैं एक रूम में एक अलग जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर CCTV नहीं होता है, और वहाँ जाने के बाद असल में उसके साथ उसकी रेगिंग उसकी बुलिंग जो भी है वहाँ पर स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर दिखते हैं F4। सो F4 की एंट्री होते ही चारों तरफ शोर मच जाता है, लड़कियां उनके पीछे ऐसे जैसे पागल हो रही होती है उनकी अमीरी के लिए उनकी लुक्स के लिए, क्योंकि लुक्स उनके में भाई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं, इसके जो मेन लीड होते हैं चारों के चारों वो एक नंबर के सुपर हैंडसम होते हैं, और वो इतने ही ख़तरनाक भी होते हैं, तो आगे ही पता चलेगा कौन कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। सो उनके एंट्री होते ही ऐसा हंगामा शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले F4 के लीडर के बारे में जान लेते हैं जो कि ये लड़का होता है, उसका नाम थेम होता है।
तो यही F4 का लीडर होता है, सब इसी के हाथ में होता है और ये पूरा स्कूल भी इसी के कंट्रोल में होता है। सो लड़के का गलती इतना होता है कि वो यहाँ पर होने वाली सभी चीज़ों को एक्सपोज करना चाहता है, तो वो वीडियो के थ्रू मतलब वीडियो बना के इन लोगों को मतलब क्या बोलते हैं इनका पर्दाफाश करना चाहता है कि ये लोग स्कूल में क्या क्या करते हैं। सो ये बात इसे पता चल जाती है और इसे रेड कार्ड मिल जाता है। दूसरी तरफ हेना और गोया भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि भाई अब स्कूल का हिस्सा है तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो बस उसने खड़ा हुआ बस देख रहे होते हैं लाचारों की तरह, और वो लड़का भी चारों ओर देख रहा होता है कि कोई मुझे मेरी मदद करने के लिए कोई आवाज़ उठाए या कोई भी, लेकिन उनके आगे कोई भाई किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतने पावरफुल लोगों से भिड़ सके। तो भाई अपनी गोया तो भाई एक छोटी सी मामूली सी लड़की होती है। सो थीम की पहुंच इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके ही मोबाइल से मतलब वो जो लड़का होता है उसके मोबाइल से सारे सबूत ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, और इस बात को देखकर ये लड़का शॉक हो जाता है और हताश हो जाता है कि अब मेरे पास तो कोई क्लू भी नहीं बचा हुआ है। और गोया उसे देखकर बहुत ही बुरा फील कर रही थी और सभी लोग उसके चारों ओर जो भी कोई कचरा कूड़ा और प्लास्टिक जो भी था सब उसके ऊपर फेंके जा रहे थे, और हद तो थप हो जाती है जब वो लड़का थीम के ऊपर हाथ उठा देता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई इसकी इतनी हिम्मत कैसे। देन भाई उसका गेम तो फिनिश हो चुका है, अब इसका मतलब भाई अब लड़के को स्कूल क्विट करना पड़ेगा, वरना अगर वो डेली ऐसा आएगा स्कूल में तो भाई हो सकता है उसकी जान को भी खतरा हो सके क्योंकि वो इतना बुली वो सह नहीं पाएगा। तो चलो अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, हमारी गोया की स्टोरी की तरफ। तो गोया हमारी ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए स्कूल की टेरेस पे चली जाती है और बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाती है, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोग अमीर हो तो कुछ भी गरीबों के साथ कर सकते हो, हम लोग बस यहाँ पढ़ने आते हैं, इतनी मेहनत से स्कॉलरशिप लेकर आते हैं और तुम लोग सोचते हो कि हम तुम्हारे पैर की झूठी हैं। वो इतना सारा बात बोलती है और बहुत तेज चिल्लाती है, और चिल्लाने के बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो अकेले में जाकर खूब चिल्ला लो या फिर रो लो। सो वो ये सब करके वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ F4 का एक हैंडसम सा मेम्बर भी वहाँ मौजूद होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, बस वो स्माइल करता है। तो गोया हमारी अपनी खर्चा चलाने के लिए एक नाइट शिफ्ट में एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रही होती हैं, जहाँ पर वो F4 के बारे में बहुत बुरा भला कहती है। तो ये जो उसके मैनेजर होता है मतलब बॉस बोल लो, वो उसके बारे में बोलता है तुम F4 के बारे में कैसे बोल सकती है, तुम्हें पता है वो लोग कितने ग्रेट हैं, उन्होंने अपने आप को कितने काबिल बनाया, उनके जैसा F4 जैसा दोस्ती किसी में हो नहीं सकता, और वो लोग कितने पॉपुलर हैं जानते हो, और कितने अच्छे अच्छे चीज़ें उन्होंने किए हैं, उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता है। सो यहाँ पर भाई वो चारों का बारी बारी से तारीफ़ करना स्टार्ट कर देता है। सो वो सबसे पहले थीम के बारे में बताता है, जो कि एकदम हैंडसम हंक होता है और प्रामा ग्रुप का इकलौता वारिस होता है, जिसके पीछे लड़कियां पागल रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसा वो तारीफ कर ही रहा होता है। तभी गोया बोलती है पढ़ाई में स्मार्ट है, वो सिर्फ अपने पैसों से ही ये सब चीज़ें खरीदता है, ठीक है ना, और स्पोर्ट्स में मैं मान भी सकती हूँ, लेकिन वो एक नंबर का नालायक है, समझे ना, भले ही वो स्पोर्ट्स में कितना भी अच्छा हो लेकिन वो एक निर्दयी इंसान है, ठीक है, और उसके जैसा बदतमीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सो फिर उसका बोस बोलता है अच्छा चलो दूसरे की बात बताओ, MJ तो भाई पार्टी एनिमल है, उसे तो जानती हो, अगर कोई भी लड़की जो पार्टी करती हो ऐसा हो ही नहीं सकता शहर में उसे कोई जानता हो, तो इतना तारीफ करना ही था। वो बोलने लगती है पार्टी बॉय वो एक माफिया बॉय है, आप समझ रहे हो, उसके पूरे फैमिली इसी तरह की बिजनेस करती है, वो कोई आम लड़का नहीं है, उससे दूर रहना वही सबसे बेहतर है। अच्छा ऐसा है तो केविन के बारे में क्या बोलोगी, केविन ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, उसके पास तो भाई इतनी लड़कियां पागल होती है कि क्या बोलूँ, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है टेस्ट के मामले में। सो वो उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी केविन की पिक्चर्स देख रही होती है, ऐसा लगता है कि वो भी उसे लाइक करती है, तो वो बोलता है सबसे बड़ी बात इसकी ये पता है क्या है, ये एक प्ले बॉय है, इसके पास दिल नहीं है, ये बस लड़कियों के साथ हमेशा घिरा हुआ रहता है, समझे कि नहीं। तो अब तो ये आखिरी वाला रेन ही बचा है, तो इसके बारे में भी कुछ बता दो तुम। सो फिर वो सोचने लगती है कि रेन हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये NGO चलाता है बच्चों को, और बहुत से मतलब इसकी तारीफ़ है, ये काफ़ी स्मार्ट है, कूल है, गुड लुकिंग है। तो यहाँ पर गोया भी ये सपोर्ट करती है, बोलती है हाँ ये बाकी F4 के लोगों से थोड़ा अलग तो है, क्योंकि वो मतलब कहीं ना कहीं गोया जो है जब उसने देखा था तो भाई उसे होता नहीं है कि टच होना ऐसा हो गया था, तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं क्या अलग है क्यों भाई, ये क्यों अलग है, बताओ ये क्या है, मतलब कुछ नहीं वो सच में अलग है। लेकिन गोया फिर बोलती है कि चाहे वो कितना भी अच्छा हो अगर वो F4 का हिस्सा है तो मेरे लिए वो चारों के चारों एकदम बराबर है, क्योंकि वो लोग किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें बस अपने अमीरी का घमंड है।
अगले दिन स्कूल में गोया कैंटीन में बैठी हुई होती है और वहाँ F4 के जो बंदे होते हैं वहाँ ऊपर होते हैं और सारी लड़कियाँ उसके ऊपर हे गया F4 ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन उससे ज़रा भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। तभी है ना वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, क्या बात है, तुम बहुत अपसेट दिख रही हो, कल की बात से अपसेट हो क्या? तो वो बोलती है, हाँ वो चीज़ देखकर मुझे अभी भी वही सब चीज़ें याद आ रही हैं। सो फिर भी बोलती है कि देखो हम लोग यहाँ पर आए हैं, कोशिश यही करेंगे कि हेल्दी रहें, अपना मतलब पढ़ाई लिखाई करें, फोकस करें और जल्दी से यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकल जाएं, है कि नहीं? तो बोलती है, हाँ हमें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। उसके बाद बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। उसके बाद वो अपना जो खा दी थी वो उसे उठा के लेके जैसे ही जाती है, तभी गोया को पीछे से किसी से लड़ने की आवाज़ आती है। तो वो जाए उसकी जो फ्रेंड थी वो जाके भाई थीम से लड़ चुकी थी, मतलब टकरा चुकी थी, और उसके जो नूडल्स होते हैं उसके जूतों पे गिर चुके थे। भाई साहब भाई, और लड़की जो गोया की फ्रेंड होती है उसकी तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपना थीम बोलता है, अच्छा लड़कों को अप्रोच करने का बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारा, है ना? लेकिन यहाँ पर भाई सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी थी, गोया को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या ही होगा। सो है ना थीम के सामने रोना स्टार्ट कर देती है, बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे जूते को साफ़ कर दूँगी या फिर तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आ जाऊँगी। सो थीम बोलता है, अच्छा तुम ये जूते मेरे लेकर आ जाओगी? तुम्हें पता है ये जूते कहाँ बनते हैं? ये स्पेशली मेरे लिए पेरिस में बने हुए हैं, तुम्हारा घर जाएगा इसमें। सो थीम को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, क्या तुम खरीद सकती हो मेरे लिए इसे? हाँ नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब तुम जो बोलोगे मैं वो तुम्हारे लिए कर लूँगी। लेकिन वहाँ तभी MJ बोलते हैं, हे थीम थोड़ा आराम से यार, ये लड़की थोड़ी क्यूट है कि नहीं, ऐसा बोलता है। लेकिन वो MJ की बात को ज़रा भी नहीं सुनता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सो थीम बोलता है, इसे साफ़ करो। लेकिन वो इतना बोलना ही था कि जो सारे लोग वहाँ पे आसपास होते हैं वो इतने कमीने होते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ उसे चाट के साफ़ करो, अपने जीभ से चाट के साफ़ करो। सो अब थीम को भी अपना एटीट्यूड वापस मिल जाता है, वो बोलता है कि अच्छा है ठीक है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लो इसे साफ़ करो। वो जूते को अपने आगे बढ़ा देता है और यहाँ पर गोया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो कैसे किसी लड़की को अपने जूते को साफ़ करने के लिए बोल सकता है, वो भी जीभ से चाट कर। बस करो, ये आवाज़ गोया की होती है। सो वो सीधे थीम के आगे जाके खड़ी हो जाती है। तो थीम बोलता है, क्या कर रही हो तुम, ये ज़्यादा हो रहा है। क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। मैंने कहा अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो थीम के आगे इतनी बड़ी बात बोलना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो वहाँ रेन भी वो देख रहा होता है, बोलता है ये लड़की क्या ही कर रही है, मतलब भाई ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि ये तो आग में घी डालने वाला काम कर रही है। वो फिर बोलता है, क्या कहा तुमने। सो गोया अपने वॉइस को थोड़ा सा लो करती है, बोलती है, क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते, उसका वो मतलब नहीं था, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, है ना? नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, हाँ तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। वाओ तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, चलो इसने मुझे ऑर्डर दे ही दिया है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और उसके माफ़ी बोलने में ही भाई साहब वो गुस्सा उसके चेहरे पे झलक रहा था और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब समझ सकते हो कि अब आगे क्या ही होने वाला है। सो अगले पल जिस बात का डर होता है वही होता है, गोया को F4 का रेड कार्ड मिल जाता है। तो उसके भाई पैर कांपने लगते हैं कि अब क्या ही होगा, और चाकोल पूरे स्कूल में गॉसिप्स फैल जाती हैं कि ये पहली लड़की है जिसे F4 का कार्ड मिला है, वो रेड वाला, क्योंकि किसी ने भी कोई लड़की ने तो कभी हिम्मत ही नहीं कि लड़कों का तो दम ही निकल जाता है, तो अब ये बेचारी करेगी क्या। सब गोया को समझ नहीं आता है, वो जल्दी से भागती है, मतलब भाई कहीं जाके मैं छुप जाऊं ताकि ये लोग मुझे ढूंढ ना सके। और ये लोग सब मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये कहाँ जा रही है। तो सब बोलने लगते हैं, भाई साहब मेडिकल वार्ड में ही जा रही होगी, क्योंकि अब इसका सर फटने वाला है, इसे दवाई की ज़रूरत है। सो गोया स्कूल में कहीं एक कोने में जाके छिप जाती है, लेकिन वहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं उसे ढूंढते हुए, और वो मैसेजेस देखते रहती है, कहाँ है वो, सब ढूंढो उसे, ये वो सब सारे मैसेज आ रहे होते हैं, और गोया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। सो फिर वो जैसे ही कुछ देर बाद बाहर निकलती है, उसके साथ वो गेम सारे स्टार्ट हो जाते हैं, सभी लोग उसे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। और तभी उसकी जो फ्रेंड है वो सामने से आती है, बोलती है गोया, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकती थी। तभी उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि चुपचाप से यहाँ चली जाओ वरना तुम भी लपेटे में आ जाओगी।
वो वहाँ से चली जाती है बगैर कुछ कहे, मतलब कुछ गोया को बताया, क्योंकि असली मुसीबत तो उसी का था, उसके वजह से गोया मुसीबत में फंसी थी। सो उस गोया के ऊपर कभी पानी की बौछार, कभी कचरा, कभी कुछ ना कुछ, अब उसके साथ समझ रहे हो ना, दिक्कतें होने स्टार्ट हो गई। सो गोया गुस्से में भागती हुई फिर से स्कूल के छत पर आती है और आके बोलती है, तुम सब पागल हो गए हो। इतना बोलना ही था कि उसके बाद वो बगल से आवाज़ आती है कि ये जगह काफ़ी शांत हुआ करती थी जब से तुम स्कूल में आई नहीं थी। तभी गोया, हाँ कौन है? तो वहाँ पर रेन खड़ा होता है, बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। तो वो सोचती है कि रेन अब हम लोगों को बुला लेगा और मुझे पकड़ने के लिए बोलेगा, या फिर ये भी मुझे बुली करेगा। तभी वो लेकिन वो जैसे बाहर जाने की कोशिश करती है तो बोलती है, वो उसे पकड़ के मतलब साइड कर लेता है, छिपा लेता है। उसके बाद कुछ लड़कियाँ आती है, बोलती है कि क्या वो लड़की यहाँ पर आई थी? तो रेन बोलता है, नहीं वो यहाँ नहीं आई, मैं अकेला हूँ। सच में? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे हम लोगों को विश्वास है। और ऐसा करके वो वहाँ से मतलब चली जाती हैं, वो लड़कियाँ चली जाती हैं। और भाई रेन ने यहाँ पर पहली बार गोया को बचाया था। उसके बाद रेन वहाँ से चला जाता है तो गोया जाके देखती है कि रेन उसी की पेंटिंग बनाए हुए होता है जो कि वो चिल्ला रही होती है अपने स्कूल के छत से। सो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, गोया को लग रहा था कि सब कोई चले गए हैं। तो वो जैसे ही बाहर आती है तो कुछ लड़के अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि वो उसे पकड़ के एक रूम में लेके चले जाते हैं और उसके साथ मतलब मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। और गोया रो रही होती है, चिल्ला रही होती है कि मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया है, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी मसीहा बनकर वहाँ पर रेन फिर से आ जाता है, बोलता है बहुत हो गया, चलो हटो यहाँ से अब। सो गोया बहुत तेज़ से वहाँ रोना स्टार्ट कर देती है। सो अपना रेन बोलता है कि अगर तुम ठीक हो तो तुम घर जा सकती हो। तो वो बोलती है कि अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ, वो लोग मेरा बाहर इंतजार ही कर रहे होंगे। तो रेन को कुछ थोड़ी देर बाद सोचने के लिए वो फायर अलार्म जो होता है वहाँ पर आग लगा देता है और चारों पूरे स्कूल में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पर गार्ड जो आता है, गार्ड देखता है कि बाहर अभी भी यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो सबको वहाँ से भगा देता है। सो गोया के लिए पहली मोमेंट जो था जो उसके दिल को मतलब थोड़ा सा सुकून दे रहा था। उसके बाद वो बोलता है ये शायद अब कुछ सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम घर जा सकती हो। सो घर जाने के बाद गोया अपने रूम से बाहर नहीं आ रही होती तो उसकी फैमिली टेंशन में होती है। तो उसकी माँ जब अंदर आती है तो पूछते हैं कि क्या बात है, बताओ मुझे, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोलती नहीं, मैं रोज़ स्कूल जाना नहीं चाहती हूँ। सो बोलती है नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, क्या हुआ बताओ मुझे, तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे, क्योंकि तुम इस तरह की हो नहीं, तुम हमेशा लड़ने झगड़ने वाली मतलब टफ लड़की हो। सो यहाँ पर वो सारी बात बताना है, लेकिन वो पूरी क्लियर बात उसे बताते नहीं हो अपनी मम्मी को। तो उसकी मम्मी को लगता है कि ऐसे ही कोई प्रॉब्लम होगा, वो रोज़ स्कूल जा रही है इसीलिए उसे टेंशन होगा। दूसरी तरफ थीम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मत जान नहीं पा रहा था कि कैसे वो घर इतनी आराम से चले गए और तुम मूर्ख यहाँ पर सब देखते रह गए। सो यहाँ पर वो लोग एमजे और वो उसके दोस्त जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे भाई बस करो, रहने दो, क्या कर रहे हो, तो मर जाएगा वो। दूसरी तरफ थीम की माँ वहाँ पर आई हुई थी जो कि जल्दी घर पर रहती नहीं थी, तो 3 दिनों के लिए वो आती है। तो जब वो थीम से मिलती है तो बोलती है कि क्या एक छोटा सा स्कूल है वो भी तुमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, मैं कौन कौन से न्यूज़ सुन रही हूँ तुम्हें से, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम कैसे हमारे घर को संभालोगे, हमारी कंपनी को संभालोगे। तो ये सब चीज़ बोलकर वो और डिस्टर्ब मतलब थीम को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। इस तरफ गोया की जो फैमिली होती है वो उसे खुश करने के लिए, उसके पापा जो हैं वो लोग बहुत गरीब होते हैं तुम्हें मतलब देख के पता ही चल गया होगा, जहाँ पर थीम के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है लेकिन वो लोग उसके परिवार खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पर गोया की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है और एफर्ट करती है कि मेरी बेटी कैसे भी करके खुश रही। तो वो उसे एक नए जूते ला के देते हैं जो कि वो बहुत ही रेयर चीज़ है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो वो जब वो ला के देते हैं उन्हें कि ये जूता तुम्हारे लिए है, तो गोया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो गोया की फैमिली ने उसे काफ़ी ज़्यादा चेयर कर दिया होता है, उसका मन खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात उसका रेन का जो चेहरा होता है गोया के चेहरे पे रहता है, मतलब भाई उसे उसी की मतलब परछाई जो होती है कि चलो कोई तो है जो स्कूल में भी मेरा सपोर्ट करेगा। सो एक नया दिन सोची गोया फिर से स्कूल जाती है और स्कूल जाते ही अपने नए जूते को जैसे वो पहनने की कोशिश करती है, भाई साहब जो वहाँ के लड़के होते हैं वो उसके जूते को ही उठा के लेकर भाग जाते हैं और गोया उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। और मैसेज टाइप होने लगता है कि उसने अभी तक स्कूल छोड़ा नहीं है, तो गेम अभी भी चालू है। सो अब इन अमीरों को कैसे पता कि उस जूते की जो कीमत है वो गोया के लिए क्या मायने रखती है। तो वो जूता सीधे थीम के पास जाकर पहुंच जाता है, वो बोलता है ठीक है बॉस हो गया, मतलब बस बहुत हो गया, अब इसे छोड़ दो, ये जूता लो, तुम इसे लेना चाहती हो, लो इसे लेके जाओ। लेकिन जैसे वो उसे लेने जाती है तो बोलती है रुको थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद उसके जूते को उसको नए वाले जूते को वो फाड़ के 2-3 टुकड़े में कर देता है, मतलब चारों से काट देता है। तो भाई उसे नहीं पता होता है कि ये गोया के लिए वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितने मायने रखता है, उसकी फैमिली ने उसे कितने प्यार से दिया है।
सो गोया बस वो देखकर रोती रह जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसके बाद वो थीम उस जूते को उठा के कचड़े के डिब्बे में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तो अभी वो जा ही रहा होता है कि गोया वहाँ पे जाके कचड़े के डिब्बे में से ही वहाँ पे जहाँ पर वो मतलब कचड़े से भरा हुआ था उस जूते को उठा के वो फिर से पहन लेती है। तो भाई ये सब चीज़ें देख कर सब शौक हो जाते हैं, ये कैसी लड़की है, ये कैसे जूते को पहने, लेकिन ये क्या जूता उसके लिए क्या मतलब रखता है, अब ये अमीरजादे क्या ही समझेंगे। सो उसके बाद वो आता है थीम और धीरे धीरे आता है, बोलता है कि तुम सच में इस कचड़े को पहनने वाली हो। इतना बोलना ही था कि गोया का जो किक लगता है भाई, एक किक उसके पेट में ऐसा मारती है कि वो जाके दूर जाके गिरता है। और भाई साहब सब लोग देख के शौक हो जाते हैं कि ये लड़की ने अभी ये क्या कर दिया। तो उसके बाद वो उसके छाते पे काली माँ की तरह चढ़ जाती है। उसके बाद बोलती है कि तुम चाहते हो मैं गिव अप कर दूँ, मैं तुमसे हार जाऊँ, मैं तुमसे कभी हार नहीं सकती, समझे ना तुम। भाई साहब आज मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये भाई, ये किक मुझे मेरा फेवरेट किक था, मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। सो नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं तो बताओ, मैं इतने डिटेल में वीडियो आपके लिए इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा भी पार्ट मिस ना हो जाए और आपको मजा आए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो गोया के लिए भाई साहब, उसकी हिम्मत के लिए, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करो और लाइक जरूर करना, कमेंट बताना एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।